तो फट गए। अब क्या होगा? मैं बात नहीं आ जाएगी। इट्स ओके, नहीं आ जाएगी। कपड़ा फट गया, पिट्टी नहीं आ जाएगी। पति चला गया, पिट्टी नया आ जाएगा ना। ऐसा नहीं, अगर तुम्हें पता है कि सारी चीजें कहाँ मिलती है तो प्लीज मुझे बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो कि मुझे एक दिल कहाँ मिलेगा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। क्या कहा था तुमने मुझसे? क्या आप सीरियस कब होंगे? तुम जो चाहती थी ना वो हो गया, बन गया हूं मैं सीरियस। कुमकुम की कसमें खाती थी ना तुम, क्या कहती थी तुम? तुम्हारे मांग में सिर्फ मेरे नाम का कुमकुम होगा क्योंकि हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी बातें करती थी तुम, लेकिन तुम भी एक नॉर्मल इंसान निकली, एक नॉर्मल औरत जो सिर्फ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करती। और मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ जिसने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया, तुम्हारे झूठ को सच मान लिया। मैंने तुम अंदर ही अंदर हंस रही होगी ना कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ निकला। ये छोटा कंसर्न मुझे मत देगा। अब कहां थी तुम जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी? आप शांत हो जाइए, आप होश में नहीं है। आप पी ली है मैंने, होश में नहीं हूं मैं। तुम तो के पास हो, दिल तोड़ा है तुमने मेरा। अरे दिल क्या, तुमने तो मुझे ही तोड़ दिया। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारा भाग्य मेरे नाम के कुमकुम के साथ जुड़ा है ना? तुमने अपने नाम का कुमकुम किसी और के भाग्य से जोड़ ली? क्यों? तुमने मेरा मजाक बना दिया, हमारे शादी का मजाक बना दिया है तुमने। इतनी बार तुमने कुमकुम और भाग्य की बात की कि मेरे जैसा इंसान जो भगवान पर विश्वास नहीं करता था इन सारी बातों पर विश्वास करने लगा। तुमने इतनी सारी मीठी मीठी बातें की, लेकिन वो सब कुछ बस कीजिए, बस करो। मेरे दिल और दिमाग में अशांति फैलाने के बाद तुम मुझे बोल रही हो कि बस करो। जो धोखा तुमने मुझे दिया ना, आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। मैं खुद को दोषी मानने लगा था कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम सही थी और मैंने तुम्हें गलत समझा। कोसता था मैं अपने आप को कि मैंने अपनी फुकी को मनहूस कहा, वो फुकी जो मेरी दुनिया थी। हर दिन मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा कि एक दिन तुम आओगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मौका मिलते ही तुम एक नई दुनिया शुरू कर दोगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मेरे साथ क्या हो? अभिषेक प्रेम मेरा मरे तो मरता रहे, उसे तुम्हें क्या? Enough! अभी तो मैंने शुरू किया है, तो बताओ कैसा लगा मुझे छोड़कर? मैं भी क्या फालतू सवाल कर रहा हूं ना,
तुम तो बहुत खुश नजर आ रही थी, तुम बहुत दर्दनाक निकली। ऐसा दर्द दिया ना तुमने मुझे जो कभी नहीं भरेगा। अरे लड़ाई हुई थी हमारी, कपल्स के बीच में लड़ाई होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग जाकर शादी कर लेते। देखा मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन, कैसे तुम अपने पति के लिए गिड़गिड़ा रही थी। 7 साल की शादी है ना, सच्चा प्यार होगा। क्या कहती थी तुम मुझसे कि तुम मुझसे प्यार करती हो और हमेशा करती रहोगी। तुमने जो कहा तुम्हें उसका मतलब भी पता था। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया भी था क्या? हाँ किया था। मैंने सुना सब। क्या तुम्हारी और चाची की बातें? वो तो सुन नहीं था क्योंकि तुमने ही तो पूछा था। उन्हें मेरे साथ गेम खेलने थे। क्या ना बेटा, कितनी देर लगा दी, आ जाना। आ रही हूँ दादी। दादी क्या रखी है? देर है, अंधेर नहीं। अरे इसका मतलब पता है तुझे? मतलब तो नहीं पता, लेकिन छाबी एक की बात आती है। अरे जैसी तू वैसी तेरी बातें भी बड़ी बड़ी प्यारी है। प्यारी तो मैं हूँ सुपर दादी, कुछ नया बताओ। सब कहाँ गए? राज अंकल, ताऊ जी कहाँ गए वो सब? मैं जीत कर गेम में तो मुझे मेरा इनाम तो मिलना चाहिए। आ गया भाई आ गया, तुम्हारा इनाम भी आ गया। पहले सबको मैं चाय दे दूँ। ये लीजिए ताई जी। थैंक यू। थैंक यू। ये रहा तुम्हारा इनाम, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। मुझे ये नहीं चाहिए। फिर मुझे पूरी फैमिली से इनाम में क्लैपिंग चाहिए। अरे अरे पर अभी तो गेम खत्म भी नहीं हुआ ना, तीसरा सवाल तो बाकी है अभी। गेम खत्म हो गई, मेरे तीनों क्वेश्चन पूरे हो गए, है ना सनी? पर सनी मुझे तुम्हारा पार्टनर नहीं पसंद आया। मेरा पार्टनर? हाँ तुम्हारी चाची, उन्होंने पूछा मुझसे तीसरा क्वेश्चन। अरे पर तानू तो गेम नहीं खेल रही थी ना, तो फिर उसकी मतलब उसके साथ में जो तुमने गेम खेला वो कैसे मानेंगे? अच्छा मुझे लगा सनी ने उन्हें भेजा, बट नेवर माइंड। अब पूछो तीसरा क्वेश्चन, मैं अब भी जीत जाती हूँ। हाँ तो तीसरा क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ ना। ओके पूछिए। सोच समझ के जवाब देना। ओके ओके। तो ये जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मैंने खास आपके लिए बनाया है, इसे पीकर बताओ तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं? ये हुई ना बात दिशा, ये तो अब फंस गई। अब तो इसे झूठ मतलब सच तो बताना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा है, I loved it. ये एक यार हार गई, इसने लास्ट 2 क्वेश्चन के आंसर्स सच बताए थे, ये भी सच बता दिया, तीनों सच, मतलब हार गई। मैं जीत गई। कैसे जीत गई? तुमने तो कहा था तुम्हारी मम्मा का मिल्कशेक तुम्हें पसंद है, तो यार मेरी मम्मा का मिल्कशेक क्यों अच्छा लगा? मेरी मम्मा कहती है कि दुनिया में मम्मा कोई भी हो, उनके हाथ की बनी हुई सारी चीजें बहुत अच्छी होती है। क्यों आंटी? अरे बाप रे दीदी, कितनी प्यारी बातें करती है ना। हाँ और इतनी प्यारी प्यारी बातें तुम सीखती कहाँ से हो? मेरी मम्मा से। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट मानो, अपनी मम्मा को कहो मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। प्रॉमिस प्रॉमिस। अरे हम सब उनसे मिलना चाहते, जिसकी बेटी इतनी प्यारी है उसकी माँ कितनी प्यारी होगी। हाँ बहुत प्यारी है, देखते ही मुंह मीठा हो जाएगा। चलो बच्चों अब तुम दोनों जाओ सनी के कमरे में और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। बाय बाय बाय। पता नहीं क्यों इसकी स्माइल मुझे प्रज्ञा दी की याद दिला रही है। बात खुशी की नहीं है, बात जिंदगी में आगे बढ़ने की, और आपने तो इस
किसी और को अपना बना लिया ना, तो आपको क्या फर्क पड़ता है मैं किसी के भी साथ रहूं? मुझे फर्क पड़ता है क्यों? क्योंकि कुछ बातें कही नहीं जाती, महसूस की जाती है। तुम्हारे दूर जाने से मुझे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें यही बात समझ में नहीं है तो बाकी सारी बातें, हालात क्या बदल गए? तुम ही बदल गए। हालात ने नहीं बदला है मुझे, मुझे आपने बदला है। और अब भी मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं बदले। हाँ नहीं बदला ना, मैं अब अपनी दिल की नहीं सुनता, बस सिर्फ दिमाग से काम लेता हूँ। अब कभी कोई बेवकूफी नहीं करूंगा, कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, किसी का इंतजार नहीं करूंगा मैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरा इंतजार कर रहे थे आप। कर रहा हूँ। जब प्यार होता है ना, गलत फहमी नहीं होती। थी हमारे बीच में कितनी गलत फहमियां थी, लेकिन प्यार हुआ तो सब खत्म हो गया ना। क्या किया आपने? शादी को बिजनेस डील बना दिया। हाँ तो तुम्हारा रीजन तो बहुत ही ऑब्वियस है ना, तुमने उस जोकर से शादी अपने फायदे के लिए और अपने फ्यूचर के लिए की। तो क्या गलत किया अगर मैंने अपना फ्यूचर देखा तो? अरे सिंपल है, ये तो बन जाएगा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे प्रोजेक्ट बनाते वक्त अच्छा लगता है। मैं अपनी चाची की बात कर रहा हूँ, मैंने सब सुना, उन्होंने तुम्हें डांटा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? क्या वो किसी से डरती नहीं? मैं तो उनका नाम सुन के हंस पड़ी। बच्चों वाला नाम, उन्हें उनके नाम से मत बुलाओ, मम्मा चिल्लाएगी। मेरी मम्मा भी यही कहती है, पर सही कहती है, पर मैं उन्हें तनु चाची कैसे कह सकती हूँ? I don't like, बट मैं उन्हें चीची कह सकती हूँ। छोटे नाम वाली छोटी चीची। ये अच्छा नाम है, अब मैं भी उन्हें इसी नाम से बुलाऊंगा, छोटी चीची। नेक्स्ट टाइम मैं भी उनसे नहीं डरूंगा जैसे आज तुम नहीं डरी। तुम उनसे डरते हो क्यों? वो सबको डांटती है, मम्मा को भी डांटती है, बहुत बुरी है वो। देखो वो तुम्हें डांटती है तो चलता है, लेकिन तुम्हारी मम्मा को नहीं डांटना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारी मम्मा को डांटा ना, तुमने मजा चखा ना। मैं कैसे? मुझे सोचने दो। यही तो मैं ढूंढ रही थी, इसलिए ढूंढ रही थी मार्कर। था कोई काम, बट अब किसी और काम से आएगा। तो एक चीज करूंगा। क्यों? कुछ काम था? हाँ, अगर वो सो रही है तो मेरे पास प्लान ए, और अगर वो जाग भी है तो प्लान बी है। चलो चलते उन्हें ए बी सी सिखाते हैं। चलो कार्टून चेक कर लू कि वो सो रही है या जाग भी है। इससे अगर जाग भी होती तो कार्टून बोलने पर उठ जाती ना। इसका मतलब ये सो रही है। पागली तुम जस्ट कोई पूछे ना तो कसम खा लेना, बोलना कि मैंने नहीं बनाई ये सब। गुड आइडिया, चलो अब चलते। अरे रुको, अभी मिसेस यूनिवर्स का मेकअप बाकी है। अरे कहाँ मिसेस यूनिवर्स बनेगी, अभी मिस्टर यूनिवर्स बनेगा पूरी मूंछों के साथ। तो कौन है?
क्लास ऑफ 2018 इज तनु, ये कितना अच्छा सपना है ना। स्मार्ट मूव। इससे पहले ये स्पीच देने के लिए उठे, प्रज्ञा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, पूछो तरुण से। It's okay, don't worry. Attention, please. Now it's time for a big treat. हम अब केक काटने जा रहे हैं। One cake for many reasons. और इस केक को काटने के लिए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर एंड मिसेस किंग को। प्लीज यू गाइस गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। दासी सच कह रही है। लेकिन वो दोनों तो हमेशा लड़ते रहते थे। इनफैक्ट सनी ने उसकी बुक्स तक फाड़ दी थी और अब वो लड़की सनी की बेस्ट फ्रेंड। हाँ मतलब मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ, पर वो आज सनी के साथ उसका साइंस प्रोजेक्ट करने के लिए घर आई, तो सच मानिए पहली मुलाकात में सबको अपना बना लिया उसने, सबकी चहेती बन गई। स्ट्रेंज। वैसे दासी आपको पता है कियारा और अभी पहले भी कई बार मिल चुके। अच्छा? हाँ सबसे पहले एयरपोर्ट पे मिले, तब तो अभी को उसका नाम तक नहीं पता था, और उसके बाद होटल में मिले जहाँ दोनों के दोनों लिफ्ट में अटक गए थे। हा? और लिफ्ट में अंधेरा था और आपको तो पता है अभी को अंधेरे से कितना डर लगता है, तो जब तक लिफ्ट ठीक नहीं हुई कियारा दादी अम्मा बन के अभी को हौसला देती रही। सच? अच्छा तो हमारे अभी को अंधेरे से कियारा ने बचाया। हाँ दासी, और अभी जो स्कूल में टेररिस्ट अटैक हुआ था ना, उसमें अभी ने कियारा को बचाया, और अभी ने मुझे बताया कि सनी को कियारा की मम्मी ने बचाया। कियारा का इस तरह अभी से बार बार मिलना ऐसे लगता है कि दोनों का कोई पुराना कनेक्शन है। अभी का कनेक्शन हो या ना हो लेकिन मेरी बेटी से जरूर है। उसकी बातें, उसका हंसना, उसकी आंखें बिल्कुल मेरी प्रज्ञा जैसी मिलती हैं। प्रज्ञा दी की तरह? हाँ। हम सब प्रज्ञा दी को बहुत मिस करते, तो किसी में भी उनकी झलक दिखती है तो ऐसा लगता है कि वो दिया तीन पीसेस काटने, क्योंकि मिस्टर विक ने तीन अलग अनाउंसमेंट किए, राइट? या ओके। मिस्टर किंग, आपकी प्रोफेशनल वाइफ कहीं नजर नहीं आ रही है, मैंने बहुत ढूंढा उसे। वो मूडी है मिस्टर विक, और मूडी लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता। डोंट वरी, ये पूरा इवेंट मैं अकेले ही संभाल लूंगा। Mrs. King, three pieces, please. Yeah! So, for your new album? This is for my album. And this is for the house owner. Achha, meet my naughty friend. Oop. Best friend. Best friend? This is funny. तुम मुझे नॉटी कह सकते क्योंकि मैं नॉटी हूँ। हेलो अंकल। हेलो। वैसे आप घर इतनी लेट क्यों आए?
बताइए बताइए क्यों लेट है? आपको घर जल्दी आना चाहिए ना, आपको आंटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, है ना? ये हमेशा किचन में बिजी रहती है तो पूरब हमेशा इनके किसी काम में बिजी रहता है। लोगों को एक साथ एक दूसरे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। चलो पहली बार माफ किया लेकिन आगे से ध्यान रखना। जी। चल सनी अब ना मुझे जाना होगा, डैडा ने बहुत बार फोन किया है। ओके ओके बाय बाय। अच्छा सुपर दादी अब फुटबॉल मत खेलना ओके? अच्छा मेरी अम्मा नहीं खेलूंगी। अब मैं जाऊं? लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त? जब भी तुम्हें टाइम मिले ना हमसे मिलने आओगी। दादी अगर आप ये ना भी कहते ना तब भी मैं आप सबसे मिलने आती। चलो बेटा मैं आपको छोड़ देता हूँ। अंकल मैं भी नेक्स्ट टाइम, मेरे ड्राइवर अंकल ना बाहर खड़े हैं मुझे लेने के लिए। क्यों आपकी मामा आपको लेने नहीं आई? मैं उस सनी के साथ साइंस प्रोजेक्ट बनाने गई थी और मैं सुपर दादी सनी की मम्मा इंदु दादी सबसे मिली, मुझे बहुत मजा आया। सबसे मिली? हाँ। रात बहुत हो गई तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकती। क्यों? अगर आप ऐसे रोते रहेंगे तो मैं घर कैसे जाऊंगी? ऐसे क्या देख रही? देख रही हूँ कि आपको इतना किसने किया कि आप रो जा रहे हैं। आप मुझे बताइए आप क्यों रो रहे हैं? वो एक्चुअली मुझे पेन हो रहा है। कहाँ पेन हो रहा है? यहाँ। लेफ्ट साइड? लेकिन लेफ्ट साइड तो हार्ट होता है ना, क्या पेन क्यों हो रहा है? वो मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस मिस्टेक को कैसे ठीक करूं और ये भी समझ में आ रहा कि मैं अपनी ये बात किससे शेयर करूं। सोच रही होंगे कि तुम्हारा ये टॉर्चर कितना बड़ा इमोशनल फूल है। नहीं बिल्कुल नहीं, कभी कभी मम्मा भी आपकी तरह से ऐड हो जाती है। मैं पूछती हूँ तो कहती है कोई इम्पोर्टेंट रीजन है, बट उनके पास सलूशन होता है, वो मेरी दूसरी डॉल रॉकी को हक करके आके बंद कर लेती है। सच? तो वैसे भी मैं होती हूँ ना उन्हें रोने नहीं देती। तुम्हारी मॉम लकी है कि उनके पास आप हो। लकी तो आप भी हो, मैं आपके पास भी तो हूँ। ऐसी मम्मा की तरह मैं आपको भी नहीं रोने दूंगी। कुकी की तरह ना मेरे पास भी फुग, मेरे पास भी एक डॉल थी। क्या नाम था उसका? स्वीटी। वाव, उसका नाम स्वीटी है तो वो कितनी स्वीट होगी ना। पता है आज वो मुझे मिली थी। तो आप इतना दुखी क्यों है? क्योंकि वो अब किसी और के पास है। बस इतनी सी बात क्या आप रो रहे थे? वो क्या है ना, मैं अपनी डॉल से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर अपनी डॉल उससे वापस मांग लो। नहीं मांग सकते तो मुझे बताओ, मैं लाके दूंगी। नहीं प्रॉब्लम ये है कि वो डॉल वहां पर बहुत खुश है। मैंने कहा था ना तुमसे से मिस्टेक हो गई थी और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उस मिस्टेक को ठीक करूं। और एक और बात मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो
जो मेरे इतने करीब थी मुझसे इतनी दूर कैसे जा सकती, कैसे कर सकती वो? मैं भी ना, तुम्हें मेरी कोई बात समझ में आई? बिल्कुल नहीं, बट आई एम हैप्पी आपने मुझसे शेयर तो किया, देखता आपका दर्द कम हो जाएगा। कमाल हो तुम, कभी मुझे अंधेरे से बचाती हो, कभी दादी अम्मा बनकर मेरे आंसू पोंछती हो, कितना ख्याल करती हो तुम मेरा। और अब ये दादी अम्मा को सोने जाना चाहिए। रात बहुत हो गई, तुम घर जाओ। ओके, गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? मेरे ड्राइवर अंकल वहाँ है। तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ड्राइवर अंकल के पास छोड़ता हूँ। ओके। अम्मा। बोलो। मुझे ना तनु चाची से बचा लेना प्लीज। क्यों? पहले बैठो यहाँ। अब बताओ क्या किया तुमने तनु चाची के साथ? अरे वो सब छोड़ो, हाँ प्लीज अब बचा लेना। बचाऊंगी तो तब ना, जब मुझे क्या हुआ है ये पता चलेगा। देखो अगर प्रॉब्लम पता हो ना तो उसका सलूशन निकाला जा सकता है। अब जल्दी से बताओ। लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि डांटोगी नहीं। अभी अगर तुमने नहीं बताया ना क्या हुआ है तो मैं सच में डांटूंगी और पापा को भी बता दूंगी कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। चलो अब जल्दी बताओ। कहाँ है यहाँ पर? क्या बात है, बड़े हंस रहे हो दोनों माँ बेटे, मुझे ये बता दो क्या बात है, मैं भी हंस लूं। वो क्या है ना, ये मेरा और सनी का सीक्रेट है, एक्सक्लूसिवली सनी और दिशा का, है ना? ठीक है मत बताओ तुम। लेकिन सनी तू तो मेरा दोस्त है यार, अपने पापा का बेटा, अब तू भी मुझसे बातें छुपाने लगा, लगता है अब मेरा बेटा भी मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं नहीं, I love you, पापा। झूठ, क्योंकि अगर आप प्यार करते ना मुझसे तो मुझे भी बता दे। अच्छा अच्छा बताता हूँ। अच्छा अभी तो ये हमारा सीक्रेट था, दल बदल लिया? हाँ दल बदल लिया इसने। तो बेटा जल्दी बताओ क्या बात है? वो किया रहा और मैंने तनु चाची के फेस पे। हे भगवान, तेरा तो मुझे पता था लेकिन क्यारा तो इसके भी उस्ताद निकली। Absolutely. पहली बार घर में आई और ब्लास्ट कर दिया। अभी ना सही कहता था, ये क्यारा सुतली बॉम्ब है, सुतली बॉम्ब। अब तो वैसे साथ हो जैसे मैं साथ थी मेरी कुकी खोल देने पर। क्यारा आज मामा बहुत टायर्ड है, कल सुबह बात करेंगे। ओके ओके आजा, चलो कल बात करेंगे, आओ चलो सो जा। मामा हाँ, आपको स्टोरी नहीं बतानी तो मेरी स्टोरी सुन लो ना। जब मैं आ रही थी ना तो मुझे डॉल चोर मिले, वो भी आपकी तरह सैड थे, वो भी रो रहे थे, मैंने उनको चुप करा दिया। मम्मा वो कह रहे थे कि मैं लकी हूँ जो आप मेरी मम्मा हूँ। मामा सुन रहे हो ना? बेटा आज ना मामा बहुत टायर्ड है तो मामा कल सुबह ना आपकी पूरी कहानी सुनेंगे। ठीक है? पक्का? पक्का। अभी आप सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। आज तो नींद आएगी ही नहीं, आंखें बंद करूंगी तो आप सामने आ जाएंगे। कभी नहीं सोचा था कि आपसे ऐसे मोड़ पर मिलूंगी जहां आप नया रिश्ता जोड़कर किसी और के हो गए होंगे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।